घास का गट्ठर बनाया जा रहा है और देखिए सभी जो है अपने अपने खेत से अपने अपने एरिया से, बहुत ईमानदारी है गांव के अंदर आज भी हमारे, सभी जो है अपने अपने खेत से ही घास काटते हैं, अपने अपने एरिया से ही घास काटते हैं। और ये देखिए, ये है हमारी धर्मपत्नी जी और ये जो है घास के गड्ढों को लेके ऊपर आ रहे हैं। थोड़ा कम है, आप साइज दे सकते हैं? कितना साइज है? बड़ा छोटा? वो तो छोटा सा। आप इस गड्ढों को साइज को देखिए, गट्ठों को साइज को देखिए, और जो मेरी धर्मपत्नी ला रही है उसके साइज को देखिए, ये मेरी भतीजी ला रही है उसके साइज को देखिए। ये सब अभ्यास है। अगर मेरी धर्मपत्नी भी गांव में रही होती तो उसका जो भी जो गड्ढा है, जो गट्ठर है, वो बड़ा होता। और भतीजी को अपनी ताई पे दया आ गई है तो वो जो गड्ढा है, जो गट्ठर है, छोटा बनाया गया है। यही है गांव की जिंदगी। मेहनत करो, दबा के भोजन करो और मस्त नींद में सो जाओ। सपने भी नहीं सताते हैं। और आज मेरी चाची जी को इस समय थोड़ा सा रिलैक्स हो गया, उनका जो गड्ढा है वो थोड़ा छोटा है। आप देख सकते हैं घास कितनी ऊंची है। ये जिसका खेत है, काटते काटते उसको पसीना आएगा, लेकिन ये एक दिन का काम नहीं है, कई दिन में ये घास कटेगी। मौसम बहुत खुशगवार हो गया है, हल्की हल्की धुंध छाने लगी है, ठंडी ठंडी हवा चलने लगी है। तो जो हम दिल्ली वाले हैं, बेशक हम उत्तराखंडी हैं, हमें हल्की हल्की ठंड लगनी शुरू हो चुकी है। ये मेरे गांव का एक हिस्सा है जो रियर साइड है, और अभी बहुत एरिया बाकी है। आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार एरिया है। कभी आइए हमारे उत्तराखंड और इसकी खूबसूरती का नज़ारा लीजिए। अच्छाई लेके आइए और अच्छाई देके जाइए। तो अभी आप देख सकते हैं, अभी घसियारियाँ बोलते हैं ना, घसियारी, ये जो है अपना घास लेके आ रही हैं। देखिए चारों तरफ जंगली पौधे, घास बहुत बड़ी बड़ी हो चुकी हैं, क्योंकि बरसात के सीजन में खेतों में काम करने का मौका नहीं मिलता है। और बरसात जब बंद हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, सीजन पूरा हो जाता है बरसात का, तो उसके बाद काम की होती है मारामारी। घास को साफ करना है और फसल के लिए खेत को तैयार करना है, इसीलिए इसे कहा जाता है असोज का महीना। असोज के महीने के नाम सुनकर कई महिलाओं को पसीना आ जाता है। देखिए गुलाब के फूल बहुत खूबसूरत हैं। और ये है तिमिल का पेड़ जिसे अंजीर कहते हैं। और ये है पिनालू, हमारे लैंग्वेज में बोलते हैं पिनालू। अरबी, यहाँ की अरबी बहुत बड़ी होती है। तो आप देख रहे हैं हरियाली, दूर दूर तक हरियाली हरियाली है। जो वीडियो मैंने पहले इससे बनाया वो गलती से कट हो गया था, तो ये पहले वीडियो का ही पार्ट है जो मैंने आपको गांव के पिछले हिस्से का इलाका, खेतीबाड़ी का इलाका दिखा रहा हूँ। और ये हमारी चाची जी आ गई हैं, इनकी उम्र तकरीबन 80 वर्ष के आसपास है। इस वक्त ये छोटा सा गट्ठा लेके आ रही हैं, लेकिन सुबह ये बहुत बड़ा गट्ठा लेके आए थे। तो मित्रों धन्यवाद, जय श्री राम।